नमस्कार एंड वेलकम एट इंग्लिश स्टडी। आई एम रेखा गुप्ता। यू विल स्टडी इंग्लिश लिटरेचर इन दिस चैनल। फर्स्ट वी विल सी द सिलेबस ऑफ UGC नेट, देन वी विल स्टडी अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू UGC नेट। लेट अस टेक अ लुक ऑन सिलेबस फॉर UGC नेट इंग्लिश लिटरेचर। दिस सिलेबस इज डिवाइडेड इंटू 10 यूनिट्स। फर्स्ट यूनिट इज़ हियर फॉर यू, दैट इज़ ड्रामा। फटाफट बस आप लोग देखते रहिए कि क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट विच यू हैव टू रीड इज हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एलिजाबेथन थिएटर हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड, ड्रामा एंड प्ले राइट्स। एलिजाबेथन टाइम के जो भी थिएटर के बारे में वो स्टडी करनी होगी, उसकी हिस्ट्री, बैकग्राउंड और उस टाइम के जो भी प्ले राइट्स हैं उनके वर्क्स स्टडी करने हैं। फिर ग्रीक ड्रामा और रोमन ड्रामा के बारे में स्टडी करना है, मिस्ट्री, मिरेकल और मोरलिटी प्लेज। नेक्स्ट पॉइंट है जेकोबियन एंड कैरोलाइन ड्रामा एंड प्ले राइट्स, रेस्टोरेशन ड्रामा एंड प्ले राइट्स, मॉडर्न ड्रामा एंड प्ले राइट्स, पोस्ट मॉडर्न ड्रामा एंड इट्स डेवलपमेंट। सेकेंड यूनिट पोएट्री। पोएट्री में क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने हैं वो भी देख लेते हैं। इंग्लिश पोएट्री, उसकी ओरिजिन और डेवलपमेंट, इंग्लिश पोएट्री और उसमें सोनेट सीक्वेंसेस। ओल्ड एंड मेडिवल इंग्लिश पोएट्री, रेनेसा पोएट्री, एलिजाबेथन टाइम की पोएट्री, जैकोबियन और प्यूरिटन एरा की पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट्स, कैवेलियर पोएट्स एंड वेरियस स्कूल्स ऑफ पोएट्री, नियो क्लासिकल पोएट्री, रेस्टोरेशन, ऑगस्टन एंड ट्रांजिशनल पोएट्री, रोमांटिक पोएट्री, विक्टोरियन पोएट्री, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जॉर्जियन पोएट्री। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम जो जॉर्जियन पोएट्री थी वो स्टडी करनी है। प्री राफेलाइट्स ब्रदरहुड के बारे में स्टडी करनी है। मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न पोएट्री की स्टडी करनी है और इंग्लिश पोएट्री जो है उसमें मॉडर्निज्म की स्टडी करनी है। थर्ड यूनिट है फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी। इसमें क्या क्या पॉइंट्स देखना है देख लीजिए। फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट स्टडी करनी है, देन बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश नॉवेल और इसके फोर व्हील्स की स्टडी करनी है, 19th सेंचुरी नॉवेल, विक्टोरियन नॉवेल, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न नॉवेल। देन यूनिट 4 नॉन फिक्शनल प्रोज। व्हाट आर द पॉइंट्स हियर इज नॉन फिक्शनल प्रोज एंड इट्स डेवलपमेंट। नॉन फिक्शनल प्रोज की ओरिजिन, नेचर, एलिमेंट्स एंड स्टाइल, रियलिटी एंड इमेजिनेशन। नॉन फिक्शनल प्रोज कौन कौन से होते हैं वो भी हैं, जर्नलिज्म, एंटरटेनमेंट, फिलॉसफी, फोटोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, मेमोयर्स, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक राइटिंग्स, रिलीजन, पॉलिटिक्स, आर्गुमेंटेटिव राइटिंग्स, फंक्शनल एंड ओपिनियन पीसेस, एसे, आर्ट एंड लिटरेचर, टेक्स्ट बुक, ब्लू प्रिंट। यूनिट 5 लैंग्वेज बेसिक कॉन्सेप्ट थियरीज एंड पेडागोजी इंग्लिश इन यूज। पॉइंट्स आर हेयर अप्रोच मैथड्स टेक्निक प्रोसीड्यूर, थ्री प्रिंसिपल व्यू, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, इंटरेक्टिव। ये सारे जो प्रिंसिपल व्यूज हैं जो तीन हैं, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड इंटरेक्टिव, ये स्टडी करना है। इंग्लिश टीचिंग के मेथड्स स्टडी करनी है, ग्रामर में डायरेक्ट और ट्रांसलेशन मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग, द साइलेंट वे, स्ट्रक्चरल
नेचुरल लेक्सिकल अप्रोच, ये तीनों अप्रोचेज है जो स्टडी करनी है। यूनिट 6, इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, एवोल्यूशन एंड फ्यूचर। इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आपको स्टडी करनी है। एक्ट 1813 एजुकेशन, ब्रिटिश रूल के टाइम एजुकेशन पर एक्ट 1813 आया था, तो इसकी स्टडी करनी है। देन जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, एजुकेशन पॉलिसी 1835 लॉर्ड मैकाले, जिसके बारे में आप लोग सब लोग जानते ही होंगे थोड़ा बहुत, तो ये भी स्टडी करनी है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। वुड डिस्पैच 1854, हंटर कमीशन 1882-83, सैडलर कमीशन 1917-1999, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश। तो ये सभी पॉइंट्स हैं जो आप लोग को इस यूनिट 6 में पढ़ना है, जिसमें स्पेशली आप इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री पढ़ेंगे इंडिया में। देन यूनिट 7, कल्चरल स्टडीज। कल्चरल स्टडीज हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, इसका हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट स्टडी करेंगे जो कल्चरल स्टडीज है। देन डेफिनेशन, थियोरी एंड मेथडोलॉजी, इश्यूज, कॉन्सेप्ट्स, अप्रोच एंड स्ट्रक्चर्स, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, रेस कल्चर। ग्लोबलाइजेशन, पॉपुलर कल्चर, कल्चर ऑफ मास, कल्चरल कम्युनिकेशन, ये भी पॉइंट्स स्टडी करने हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्स्ट, प्रोमिनेंट कल्चरल थियोरीज, स्टुअर्ट हॉल, तो जो स्टुअर्ट हॉल की थियोरीज है वो स्टडी करनी है। देन यूनिट 8, लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसका इंट्रोडक्शन। लिटरेरी क्रिटिसिज्म के टाइप्स, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के फंक्शन, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, मिडिवल पीरियड, द रेनेशा एंड न्यूक्लासिसिज्म, रोमांटिसिज्म, 19th सेंचुरी, इन सब पीरियड में जो भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म हुए उनकी स्टडी करनी है। देन यूनिट 9, लिटरेरी थियरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो लिटरेरी थियरीज थे उसके बारे में स्टडी करनी है। द पॉइंट्स विच यू हैव टू स्टडी अंडर दिस यूनिट आर फॉर्मलिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, न्यू एरिस्टोटेलियन क्रिटिसिज्म, 1930s टू प्रेजेंट। तो 1930s से लेकर प्रेजेंट टाइम तक के ये सारे जो क्रिटिसिज्म है वो आपको स्टडी करनी है। साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म, जंगियन क्रिटिसिज्म, 1930s टू प्रेजेंट, मार्क्सिज्म क्रिटिसिज्म, 1930s टू प्रेजेंट, रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म, 1930s टू प्रेजेंट, स्ट्रक्चरलिज्म, 1920s टू प्रेजेंट, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड डीकंस्ट्रक्शन, 1966 टू प्रेजेंट, पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म, 1990s टू प्रेजेंट, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, 1960s टू प्रेजेंट, न्यू हिस्टोरिसिज्म, 1980s टू प्रेजेंट, जेंडर एंड क्वियर स्टडी, 1970s टू प्रेजेंट। तो ये सारी क्रिटिसिज्म जो आपको स्टडी करनी है यूनिट 9th में। क्रिटिकल रेस थियरी, 1970s टू प्रेजेंट, ये भी टॉपिक आपको स्टडी करना है इस यूनिट के अंडर। देन यूनिट 10, रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल इन इंग्लिश। इंग्लिश में जो भी रिसर्च मेथड्स हैं और मटेरियल यूज किए जाते हैं उसकी स्टडी करेंगे यूनिट 10 में। पहला इसका जो रिसर्च है उसका इंट्रोडक्शन स्टडी करना है, फिर रिसर्च के टाइप्स, रिसर्च मेथड्स, थियरीज एंड हाइपोथीसिस। तो रिसर्च के जो भी मेथड, थियरीज हैं और हाइपोथीसिस से रिलेटेड वो स्टडी करना है।
research tools sampling clarity, precision and academic expression study करना है, writing the research paper and submission, जो research paper है उन्हें कैसे write करते हैं, उनका submission से related क्या चीज़ें हैं वो सभी study करनी है आपको इस unit में.